ma'am, is there a camera? Next one, your left. Your left side, ma'am. आगे आना, लाइट आगे लेना. मैम लुक एट लेफ्ट. मैम ये कैमरा. मैम सामने. मैम राइट में. मैम मैम सामने. मैम योर लेफ्ट. मैम जी. मैम अरे ले शरो. मैम ऑन योर लेफ्ट. मैम मैम ये कैमरा. मैम राइट ऑन. लो बंगाली उसके बाद क्या देख रहे. थैंक यू. इधर देखिए इधर. थैंक यू. बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ट्रेलर मुझे दोनों ही पसंद आए थे. दोनों ही बहुत अच्छे थे. जितने गाने निकले हैं वो लूप पे चल रहे हैं आजकल मेरे गाड़ियों में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज द एल्बम इज सो रिच. हर तरीके के गाने हैं. टाइटल भंगड़ा पाले है तो पंजाबी भी है बट इट्स ऑल्सो फ्यूजन ऑफ दिस अर्बन ट्रैक्स जो आज के ज़माने का है क्योंकि दो ज़माने दिखाए गए हैं पिक्चर में. तो बहुत खूबसूरत है और मैंने पिक्चर देखी हुई है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि सब समझेंगे मेरा भाई है इसलिए बोल रहा हूँ बट बहुत प्यारी फिल्म है और आई रियली होप कि सब जाएँ देखें एंजॉय करें फैमिली के साथ जाएँ दोस्तों के साथ जाएँ और बहुत अच्छे टाइम पे आई है. 3 जनवरी है रिलीज डेट. बिल्कुल अब न्यू ईयर पार्टी से सारे रिकवर हो चुके हैं रिसर्फेस हो चुके हैं. अब जाके अब आराम से एक अच्छी पिक्चर देखिए. आपने क्योंकि फिल्म देखी है तो थोड़ा सा आप बताइए कि क्या भंगड़ा पाले वाला डांस होगा. भंगड़ा होगा और थोड़ा कुछ बताइए. हर तरीके का डांस है. भंगड़ा तो है ही है. उसके अलावा आजकल के जो पॉप और हिप हॉप और ये सब कुछ दिखाए मैं बता नहीं सकता. मेरा पहला रिएक्शन फिल्म देखने के बाद ये था. स्नेहा को मैं पूछ रहा था कि कितना नचाया है इनको कितना नचाया है इनको. तो सच में किया हुआ है इसमें. मैडम प्लीज कम थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए. एंड यू नो ये इनका एक सवाल है कि कितना नचाया तो थोड़ा सा बताइए कि बहुत ये लोग हर रोज नाच रहे थे. मतलब इसके तो पैर भी छिल गए थे फिर भी नाच रहा था तो काफी काफी मेहनत की है. सनी जी जैसा कि आपके भाई ने बताया कि फिल्म देख ली है फिल्म बहुत पसंद आए आने वाली है लोगों को और इन्हें बहुत पसंद आई तो ये जो लाइव कमेंट भाई का होता है वो क्या फील करते हैं आप. बहुत बहुत बढ़िया फील करते हैं. आई मीन आपको फिल्म पसंद आई. सिर्फ होप करती हूँ कि सबको पसंद आए और प्लीज आके फिल्म देखिए बस उतना ही. आपकी जो फिल्म आने वाली है उसके बारे में इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे. अभी तो इसके बारे में बात कर लेते हैं. कितना बेसब्री है. अभी इस साल आएंगी 2 रिलीजेज हैं सो फिंगर्स क्रॉस फॉर देम आल्सो. और जाते आते ये सभी बहुत ही अच्छा भांगड़ा करते हैं तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि एक बार और सब लोग आ गए हैं. चले वन ओके
मैं पंजाबी हूँ तो भंगड़ा नाम सुनते ही हम थोड़े से एक्साइटेड तो हो ही जाते हैं. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग एंड आई स्नेहा मेरी बहुत अच्छी वर्क कॉलीग रह चुकी है. मैंने एक फिल्म की थी फैंटम के साथ हाईजैक, वो उस पर एडी थी एंड आई थिंक शी इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग डायरेक्टर एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर एज अ पर्सन. मैं उनकी फैमिली को बहुत पहले से भी जानती हूँ. सो मेरी सारी विशेज हैं उनके लिए. मे शी हैव अ ग्रेट स्टार्ट टू द न्यू ईयर एंड फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है. आई थिंक सनी इज़ अ गुड एक्टर इज़ वेल. सनी कौशल, सनी सिंह भी अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा है. बट या सो ऑल द बेस्ट टू देम. कुछ ही दिनों में आपकी भी फिल्म आने वाली है, तो आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं अपनी फिल्म. बहुत ज़्यादा, बिकॉज आज हमारा तीसरा गाना आ गया है ऑलरेडी. लैम्बोर्गिनी और ममीनू को मुझे आज पता चला 20 मिलियन व्यूज़ इट्स क्रॉस्ड. सो द सॉन्ग्स आर डूइंग वेरी वेल. माय पर्सनल फीडबैक इज़ वेरी वेल. आई थिंक फिल्म का भी बहुत अमेजिंग फीडबैक आ रहा है. आज तीसरा सैड सॉन्ग दरियागंज लॉन्च हुआ है. सो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स और वाइब्स आ रही हैं. जस्ट 2 weeks टू गो, वेरी बिजी विथ प्रमोशंस. इनफैक्ट कल से और धड़ाधड़ प्रमोशंस हैं. So I'm very, very excited. I have to control my excitement. I'm really excited and can't wait for 17th of Jan. अगर हम ट्रेलर की बात करें, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है लैम्बोर्गिनी जो पहले जो हिट था और आपका भी गाना बहुत ही हिट किया जा रहा है. तो फिल्म आने से पहले जब ऐसे पॉजिटिविटी होती है ट्रेलर गाने से, क्या फील करती हैं? बहुत अच्छा. आई मीन आई थिंक शायद मतलब कुछ लोग सोचते होंगे कि नर्वसनेस होनी चाहिए, बट मुझे अभी तक कोई नर्वसनेस तो नहीं हुआ. आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. प्लस मेरी एक्साइटमेंट इस बात की भी है कि ये मेरी पहली सोलो रिलीज़ है. प्लस ये एक प्रॉपर रोम कॉम है जिसमें मैं कुछ पंचनामा नहीं कर रही हूँ. लड़का भी मुझे मिल जाता है. सो यू नो इट्स बिना स्ट्रगल के. ये नहीं है कि मतलब या तो मेरा कोई लड़का ही नहीं होता या मैं उसे छोड़ देती हूँ या लड़का मुझे छोड़ देता है. तो नन ऑफ दैट इज़ देयर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड प्लस एक रियल फिल्म भी है. यू नो जिसने भी अभी तक रिस्पॉन्स दिया वो यही बोला कि वी कैन रिलेट टू इट, दैट होल दिल्ली देसी वाइब. माई कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. मैंने आज तक ऐसा कैरेक्टर भी नहीं किया है. सो आई एम एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड. आई एम वेटिंग फॉर 17th ऑफ जैन. कितना इंतजार होता है ऐसी फिल्मों के लिए? आई थिंक ऐसी फिल्मों के लिए एज एन एक्टर भी इंतज़ार होता है, एज एन ऑडियंस भी इंतज़ार होता है. मतलब शायद मैं यू नो अगर जय मम्मी दी में नहीं भी होती तो भी मुझे इंतज़ार रहता है ऐसी फिल्म जाके देखने का. सो आई थिंक फिल्म इन द रियल स्पेस आर रियली वर्किंग एंड फिंगर्स क्रॉस्ड. या थैंक यू. चलो यहाँ तो
सर बताइए कि आपने ट्रेलर देख लिया है एंड गाने, आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं पिक्चर भी देख चुका हूँ, मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी और इसने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। आई एम वेरी प्राउड एंड गॉड विलिंग इट विल डू वेरी वेल। डायरेक्शन आपको कितना पसंद आया सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। और आपको ये पिक्चर देख के लोगों को लगेगा नहीं कि ये इसकी पहली पिक्चर है? नहीं, बहुत खुशी होती है, उन्होंने ऑब्वियसली फिल्म देखी और कहा भी था, तो बहुत खुशी है। आने वाले दिनों में हम ऐसे कोलैबोरेशन आप लोग को देखेंगे, प्रोड्यूसर मैडम डायरेक्टर? हाँ, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, ऑफ कोर्स। नहीं, अभी तक ये पिक्चर रिलीज हो, देखेंगे, करेंगे, जरूर कर रहे हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं। अपनी तरफ से कुछ टिप्स देते हैं आप? नहीं, आजकल के बच्चों को सब मालूम है, दे आर वेरी अपडेटेड। हाँ, तो उनको सब पता है। और डायरेक्शन एक ऐसा चीज़ है जो जो खुद डायरेक्टर सोचता है उसको वही करना चाहिए। हाँ, मतलब एडवाइस के लिए है, बट आई थिंक यही था कि खुद की गलतियाँ करनी है ताकि सीख भी सकूँ उनसे, तो आई थिंक, बट एडवाइस के तौर पे हमेशा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम ऐसे और कौन कौन किस टाइप्स की, किस जॉनर की फिल्में देखेंगे डायरेक्ट करते हुए? प्रोड्यूसर भी आई मीन अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है क्योंकि लाइफ से भांगा पाली के बारे में थी, बट आइडिया ये है कि सारे जॉनर्स एक्सप्लोर करूँ। मुझे एक्शन में काफ़ी इंटरेस्ट है, जब इस फिल्म में भी काफ़ी एक्शन हमने शूट किया तो वो एक्साइटिंग लगा, तो देखते हैं इस फिल्म के बाद। थैंक यू जी। थैंक यू।